मथुरा का महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय अपने किसी न किसी कारनामे को लेकर आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला मथुरा के जिला अस्पताल में होम्योपैथिक विभाग में तैनात दो चिकित्सकों का है, जो एक दूसरे को जमकर अभद्र गाली दे रहे हैं तथा देख लेने की धमकी दे रहे हैं। हाँ भाई, हेलो। क्या चाहता है तू भाई? सर तू तड़ाके में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना डॉक्टर? नहीं नहीं, क्या चाहता है बंदा? तू ये ड्यूटी मुझे करना सिखाएगा? नहीं, तू मुझे ड्यूटी करना, तू कौन है? तू मुझे ड्यूटी करना सिखाएगा? तू कौन है? ये तमीज है आपको बात करने की डॉक्टर से? नहीं, बस चुप रहिए। अरे खुद आराम के कमाई कर रहे हो, जिंदगी भर है, एक दिन ड्यूटी करिए। जमा निकालूंगा मैं, और एक शब्द ने फालतू बोला तो मैं अलग से जमा निकालूंगा। तू फालतू बोल रहा है, अलग से जमा निकालूंगा, अलग से। तेरे औकात है? इस मामले में एक चिकित्सक द्वारा इसकी शिकायत लखनऊ स्तर तक मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है। पोर्टल पर शिकायत होने के बाद लखनऊ से एक जांच कमेटी जिला अस्पताल पहुंची। जांच कमेटी के पदाधिकारी ने किसी भी तरह की मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष सुमित गौतम ने कहा कि चिकित्सकों से किसी भी तरह की अव्यवहारिकता बर्दाश्त नहीं होगी। अभी इस मामले में जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए एक समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है, पता लगा है। अभी पता ये किया है कि ये होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में जो हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं और इनके बीच और इनके किसी साथी चिकित्सक हैं, इनके बीच में कुछ गाली गलौज, बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, और ये रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनी है। एक अधिकारी हो, जिला स्तर के अधिकारी होने के नाते ये रिकॉर्डिंग जो है ठीक नहीं है। इस टाइप की अभद्र भाषाएँ आपस में, ये मर्यादा का उल्लंघन है। और इनका जो जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं, इनका कार्यकाल शुरू से थोड़ा सा विवादित भी है। मेरे पास भी कई संज्ञान में मामले आए हैं कि जो हमारे होम्योपैथिक के प्राइवेट चिकित्सक हैं, उनके क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन भी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से होता है। उस रजिस्ट्रेशन को अथवा उसको रिन्यूअल को करने के लिए भी ये चिकित्सकों को बहुत परेशान करते हैं। कभी किसी बजट का रोना रोते हैं, कभी किसी से गाड़ी की डिमांड करते हैं, कभी किसी से पेट्रोल की डिमांड करते हैं, और उसको टालते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो इनका इनकी कार्यशैली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा शुरू से भी आया है, और हमने भी इनसे कई बार वार्तालाप किया है सभी यूनियन एसोसिएशन के सदस्यों के साथ में, और इनसे निवेदन भी किया है कि आप जो प्राइवेट होम्योपैथिक चिकित्सकों को परेशान न करें। ऑडियो में एक डॉक्टर सुखबीर सिंह जी हैं, जो कि यहाँ प्रभारी हैं, होम्योपैथिक मेडिकल अफसर हैं जिला अस्पताल में, और जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के बीच का वो ऑडियो है जो वायरल हो रहा है, और बड़ा ही गंदे शब्दों का उसने प्रयोग किया हुआ है एक चिकित्सक होने के नाते। हाँ, इसमें एक जांच अधिकारी भी हैं जो लखनऊ से आए हुए हैं। जांच अधिकारी ने भी मुझसे संपर्क किया था, क्योंकि शिकायती पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राइवेट डॉक्टरों के खिलाफ भी ये परेशान करते हैं प्राइवेट डॉक्टरों को, और उनके रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में बहुत समय लगाते हैं। तो उसके आधार पर जाँच अधिकारी ने अध्यक्ष होने के नाते मुझसे भी बात की थी, और मेरा भी उन्होंने उसमें स्टेटमेंट लिया है कि आखिर क्या परेशानियां आपको यहाँ कार्यालय से रही हैं और क्या दिक्कतें सम हुई और उसका कैसे समाधान हुआ। तो मैंने उन सभी का एक लिखित तौर पर एक अपने सचिव महोदय के माध्यम से एक पत्र दे लिखवा के उनको दे दिया है, वो अपने शासन में प्रेषित करेंगे उसको शिकायत को। ये सब जाएगा।